एसपी साहब निश्चिंत रहिए, आपकी नौकरी को खतरे में नहीं लाएंगे। हमें मालूम है कि यहाँ तक आने के लिए आपके माता पिता ने बहुत संघर्ष किया है। हमें मालूम है आपके साथ तमाम पुलिस पदाधिकारी, पुलिस के जवान आज जो यहाँ पर है बहुत संघर्ष किए हैं। यकीन मानिए, जयराम महतो का मतलब ही होता है सामाजिक न्याय, तो आपके साथ अन्याय कैसे करेंगे भला। आपको अरेस्ट ही करना है ना, कर लीजिएगा। इसीलिए आप एजुकेशन को आपको महत्व देना होगा। आज आपके बीच एक नन्हा सा लड़का, आज आपके बीच एक साधारण सा लड़का, आज आपके बीच एक कल का लड़का यदि आज यहाँ अपने आप को लेकर आया है तो पावर ऑफ एजुकेशन, पढ़े लिखे हैं, चीजों की जानकारी है, इसीलिए आप हमें सुन रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं, गिरिडीह से भारी मतों से विजय बनाने जा रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि गिरिडीह में अगर कोई दमदार आवाज रखेगा तो आपको मालूम है वो कौन रखेगा। गिरिडीह लोकसभा रहे या कोई सीट रहे, आपको मालूम है वो आवाज हमारे दल के लोग रखेंगे, वो आवाज टाइगर जयराम महतो की सेना रखेगी, ये आपको मालूम है। सुनिश्चित करनी है आप में जो जोश है, जज्बा है, जुनून है, उसे मतदान के रूप में परिणत करना है आने वाले दिनों में। जो आपका 25 मई को आप लोग हटियान और खतियानी की पाठशाला में पके हैं, आप लोग परिपक्व हैं, आपके तुलना में कोई आपके सामने टिकता नहीं है, चाहे वो किसी भी दल का हो, क्योंकि आप आज धर्म के साथ है, न्याय के साथ में है। आज आप खतियानी की बात करते हैं, खतियानी की बात करते हैं, यहाँ की माटी पुत्रों और पुत्रियों की बात करते हैं, एक एक बच्चों की बात करते हैं जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं। आने वाले दिन हमारा कैसे हमारे बच्चों को रोजगार मिले उसकी बात करते हैं। आज तक जो हमें मान सम्मान नहीं मिला है, पहचान नहीं मिला है, उसे आप दिलाने की कोशिश करते हैं, उसकी बात करते हैं। इसीलिए आपके सामने कोई दिखता नहीं है, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो सत्ता में शामिल व्यक्ति हो या फिर राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुका मंत्री क्यों ना हो। जो व्यक्ति कभी छात्र संगठन की बात किया करता था, आज उसे पार्टी बना दिया है, और उसके बाद आज क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति पर लगा हुआ है। आज वो छात्रों के हित से कोसों दूर है, छात्रों की समस्या एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा और उस सपने को साकार करने के लिए संघर्ष भी करेगा। अभी आपको तय करना है। और सबसे खास बात हम कहना चाहेंगे, चूंकि हम कोयलांचल की धरती में खड़े हैं, धनबाद बोकारो गिरिडीह के सीमांकन क्षेत्र को, रामगढ़ होते हुए हजारीबाग के क्षेत्र को हम लोग कोयला का क्षेत्र कहते हैं, लेकिन आज आपको जानकारी देना चाहेंगे, इसी धनबाद बोकारो को जोड़ने का काम दामोदर नदी करती है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे झारखंड में 27% कोयला का खनन किया जाता है। शायद आप लोग जानते भी होंगे 27% कोयला अकेले झारखंड देता है, लेकिन आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता। कितना शर्म की बात, कितने दुर्भाग्य की बात कि कोयला हमारी जमीन पर और हेडक्वार्टर कलकत्ता। इसीलिए अगर गिरिडीह लोकसभा से जीतते हैं तो सदन में हमारा ये सवाल होगा कि आज के बाद से हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं, धनबाद या बोकारो होना चाहिए। अब ये सवाल बनता है कि धनबाद या बोकारो अगर कोल इंडिया का हेडक्वार्टर बनेगा तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आज जो समस्याओं को लेकर हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, आज जिन समस्याओं को लेकर हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, उन समस्या का समाधान सामने होगा। आज जितने भी कोयला के कंपनियां हैं जो कोल के एरिया हैं, आप जाके पता कीजिए कि उनके मैनेजर कौन है। 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं, 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं। यदि हेडक्वार्टर धनबाद या बोकारो आएगा तो मैनेजर झारखंड के लोग बनेंगे।
ठीक है, समय अभी कितना है? समय है ना 5 बजे। एसपी साहब निश्चिंत रहिए, आपकी नौकरी को खतरे में नहीं लाएंगे। हमें मालूम है कि यहाँ तक आने के लिए आपके माता पिता ने बहुत संघर्ष किया है। हमें मालूम है आपके साथ तमाम पुलिस पदाधिकारी, पुलिस के जवान आज जो यहाँ पर है बहुत संघर्ष किए हैं। यकीन मानिए, जयराम महतो का मतलब ही होता है सामाजिक न्याय, तो आपके साथ अन्याय कैसे करेंगे भला? आपको अरेस्ट ही करना है ना, कर लीजिएगा, एकदम हजारों की भीड़ में देंगे, भागने वाला थोड़ी है, कर लीजिएगा। लेकिन 5 बजे का समय है, उसको कहने दीजिए जनता को, आग्रह है आपसे। इसलिए अगर हम लोग दिल्ली जीत कर जाते हैं तो झारखंड के इशू पर बात होंगे, झारखंड के मुद्दों पर बात होंगे, झारखंड के लिए लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। और साथ ही साथ एक बात आपको कहेंगे, एक मजेदार फैक्ट आपके बीच रखेंगे। क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है